दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप नॉर्थ बिहार से आते हैं या साउथ बिहार से आते हैं, अगर आपके बिजली बिल कनेक्शन में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है या किसी और का ऐड है या जो नंबर ऐड किया था आपने वो नंबर आप खो गया है, तो आज की इस वीडियो में बताएंगे नया नंबर किस तरह ऐड कर सकते हैं और अगर किसी भी कोई भी मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो ऐड कर सकते हैं, अगर कोई पहले से मोबाइल नंबर ऐड है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में आप सीखेंगे साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार में दोनों में बिजली कनेक्शन में मोबाइल नंबर जोड़ना, सुधार करना, ईमेल आईडी जोड़ना, सुधार करना, बिल की लोड बढ़ाना, एड्रेस को सुधार करना, नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करना, सारा चीज़ आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सिंपली से आपको अपने फोन के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एप्लीकेशन का नाम है सुविधा, तो आप सुविधा नाम का इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कुछ अलाउ करने को आपको यहाँ पे बोला जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह अलाउ कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे अलाउ के लिए बोला जाएगा, अलाउ कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको आपका जो डैशबोर्ड होगा मोबाइल में वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए, लोड बढ़ाने हैं तो आवेदन, बिल में अंकित पता में संशोधन, इसी तरह के यहाँ पे कई विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर एवं अपडेट करना, उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है सीए नंबर देने के लिए। सीए नंबर वो नंबर होता है जिससे आप बिजली बिल जमा करते हैं या चेक करते हैं, मतलब अकाउंट नंबर। तो आपका जो भी अकाउंट नंबर वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपना सीए नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फैक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिनका कंज्यूमर है, जिनके नाम से बिजली बिल है, उसका नाम आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला जो मोबाइल अपडेट, उसके बाद दूसरा है ईमेल अपडेट। जिसको भी अपडेट करना चाहती है या नया ऐड करना चाहती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, मोबाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह, अगर पहले से कोई मोबाइल नंबर ऐड है तो उसका अंतिम का 4 अक्षर आपको दिखाई देगा। अगर ईमेल आईडी रजिस्टर है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिखाई देगा, क्या ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है। तो चलिए मैं फिलहाल आपको बताता हूँ कि मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी भी क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो पहले से रजिस्टर मोबाइल था उस पर ओटीपी भेज देगा, ओके पे क्लिक करेंगे। उस मोबाइल पर जो ओटीपी मिला है, पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू नंबर देना होगा, जो नंबर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। जो भी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी देंगे, जो भी ओटीपी आपको आपके फ़ोन पे मिला होगा उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। नीचे में जो सबमिट बटन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट करेंगे तो आपका जो ये जो मोबाइल नंबर, नया मोबाइल नंबर ये अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ फिलहाल अपडेट करने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप ओके बटन पे प्रेस करके अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके बिजली बिल में मोबाइल नंबर किसी का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ ऐड है वो आपके पास अवेलेबल नहीं, जिसके लिए आप ओटीपी नहीं दे सकते हैं, या आपके बिजली कनेक्शन में कोई सा मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है, तो उसके लिए आप बिजली बिल नंबर यहाँ देंगे, फैक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन, ये वाले जो ऑप्शन मिला है क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके पास कोई मोबाइल नंबर अगर पहले से ऐड नहीं है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या किसी दूसरे का ऐड है तो उसको चेंज करके अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है न्यू मोबाइल नंबर, तो जो न्यू मोबाइल नंबर वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा मोबाइल पे यहाँ पे सेंड ओटीपी भेज दिया गया। आप यहाँ पे जो ओटीपी हमें मिला है उस ओटीपी को यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। जैसे ओटीपी हम इंटर कर, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा, तो यहाँ पे जो आप ओके कर देंगे, कह रहा है अगर सही आपका डिटेल तो ओके कीजिए, अगर कुछ एडिट करना है, चेंज करना है तो आप कैंसिल करके उसे चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको करना आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ओके बटन पर प्रेस करता हूँ।
उसके बाद जो इस एप्लीकेशन में आपको सर्विस मिलता है लोड बढ़ाने हेतु आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना सीए नंबर देंगे, उसके आधार से डिटेल पे क्लिक करेंगे, जितना बिजली बिल बकाया होगा वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है लोड परिवर्तन के लिए आवेदन करने से पहले कोई बकाया राशि लंबित नहीं होना चाहिए, यानी कोई बकाया राशि नहीं होना चाहिए आपके पास, तभी आप लोड को बढ़ा सकते हैं। तो पे भी यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट पे करना चाहते आप यहाँ से पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बिजली बिल में अगर पता गलत है तो उसको आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर इसके बारे में आपको विस्तार से एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको विस्तार से एक वीडियो दे दूंगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, नए विद्युत संबंध हेतु आवेदन, यानी नया कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से वीडियो दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पूरी तरह विस्तार से एक वीडियो बना के आपको ये मैं समझा सकूं। इसमें आप नॉर्थ वेयर साउथ वेयर दोनों का कर सकते हैं।